अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो ये कुंडे के न्यास को गए थे, जब भरते हैं फातिया देते हैं कुंडे के न्यास शुरू करते तो इस तरीके से दस्तरखान भरा जाता है, फिर एक 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 आके खाते हैं। अच्छा, आप इस तरीके से जो भी दस्तरखान पे खाते हैं उनको इस तरीके से बिठाया जाता है और एक इंसान को देने के लिए रखा जाता है, नहीं तो कहीं कहीं पे खुद ही लेके खाना होता है। किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, जितना चाहिए उतना लेके खा सकते हैं, मगर न्यास का ऐसा है जहाँ बैठते हैं वहीं पे खा के उठ जाना है। अगर आपको कोई नीयत है, आपकी कोई दुआ है तो आप मान सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये आप भी खुद भी कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं, यहीं न्यास को आएंगे तो जो भी हक मतलब हमारी दुआ कबूल होगी, तो जो देना है लेना है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत ख्याल रखना, ये बहुत कड़क कुंडे की नियाज होती है, इसके लिए पूरा घर धो देना होता है, कुछ कलर करना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है और बहुत साफ़ सफाई से सारी चीज़ें करनी होती है। और जब कुंडे की नियाज खाने बैठते हैं तो बहुत दुआएं और अदब लिहाज से ये सारी चीज़ें होती है। इनकी फातिया भी इस तरीके से मिट्टी के बर्तनों में, जो कि साफ़ मतलब फिर ना ये पहले इस्तेमाल किए गए हैं ना ये आगे फिर इस्तेमाल करेंगे, तो ये यहीं पर इनकी नियाज जो भी होगी इन्हीं नए बर्तन में होगी और नए बर्तन को ठंडा किया जाता है। तो नदी के किनारे ले जाके इन बर्तनों को ठंडा किया जाता है। जब अच्छा ये फजर में जब अजान होती है तो फजर की नमाज से शुरू हो जाती है कुंडे की नियाज, फातिया देते हैं तभी से कुंडे, फजर की नमाज के बाद कुंडे की नियाज शुरू हो जाती है और असर की अजान होते ही ये उठा दिया जाता है। हम लास्ट में गए थे, थोड़ा वक्त नहीं था, बिजी थे उसकी वजह से, तो हम 4 बजे के टाइम गए थे और बाद में 4:30-5 तक अजान हो गई और नियाज भी तब तक उठा, तो घर के ही लोग थे हम लोग जब खाने बैठे। तो रीज़न ये होता है कि दुआ करते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो भी दुआ करते हैं तो जो वो दुआ कबूल हो जाए अल्लाह परवरदिगार। और जो भी जाफर सादिक के नाम से ये फातिया दी जाती है ये सभी को मालूम है। तो जब नियाज खाए तो बहुत दुआएं करे अपने लिए, सभी के लिए, और बहुत अदब लिहाज से खाना बैठ के, और इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रहता है, रखना पड़ता है। जो औरतें बनाती हैं उनको भी बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, घर का, चूल्हे का, जो चीज़ें लाते हैं उन चीज़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और जो दस्तरखान पे बैठती है उनको भी साफ़ सफाई, लेडीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, दस्तरखान पे भी नहीं बैठना है। अगर किसी को नहीं पता ना तो मैं ये वीडियो के ज़रिए बताती हूँ कि बनाते वक्त भी थोड़ा दूर रहिए, बनाने के बाद भी दूर रहिए, खाते वक्त भी दस्तरखान पे नहीं बैठना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती है, और कोई कोई गलत चीज़ें कर जाता है। अच्छा, वो अगर गलत फहमी में हुए तो ठीक है, मगर जानबूझ के कभी कोई चीज़ गलत काम नहीं करना। तो इसका बहुत ख्याल रखना और बहुत सारी दुआएं मांगना अपने लिए, घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो लोग करते हैं ये फातिया उनके लिए तो ख़ास तौर पे करना। रीज़न ये होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साफ़ सफाई, दो कम से कम 8 दिन से 15 दिन ये चीज़ों में लग जाते हैं, सारा ये करना पड़ता है, सब चीज़ें लानी पड़ती है, सारी चीज़ें हमारे घर का रखा हुआ कुछ नहीं इस्तेमाल करना है, सब नया लाना है, सब नया इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी, इसके बाद में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जो बर्तनों में इस्तेमाल होता है, अच्छा खाने पीने के तो बर्तन आजकल पहले धोए जाते थे, तो उस पानी को भी दफनाया जाता था जी एक डिक्ची या एक चीज़ में लेके, तो अब ऐसा नहीं होता है, अब जो प्यालियाँ खाते हैं उसी प्यालियों में डालते हैं, फिर वो बाद में अगर इसमें पैक करके अच्छे से आप रख दो, तो इसका भी बहुत ख्याल रखना आजकल के हिसाब से। और जो भी चीज़ें आप करते हो नेक दिल से, साफ़ सफाई से और पाबंदी से कीजिए, नमाज के भी पाबंद हो जाइए और पैगंबरों के भी पाबंद हो जाइए। रीज़न ये है कि कोई पैदा होते ही कुछ चीज़ें सीख के नहीं आता है, हमको भी बताई जाती है चीज़ें, हमारे घर वाले हमको बताते हैं कि हमारे घर हम ये चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है और ये पैगंबर हमारी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें हैं कि हमको बताने वाले हमारी फैमिली वाले होते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें करनी है हमारी ज़िंदगी में, हयाती में। तो ये सारी चीज़ें आप हर चीज़ करते रहिए, जैसे कि शब्बे कुंडे की नियाज हो जाएगी, उसके बाद में आएंगे शब्बे मेराज, फिर उसके बाद शब्बे बारात आएगी, तो ये जागने वाली रात होती है, दुआएँ मांगने वाली रात होती है।
जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी दुआएं मांग सकते हो मांगो, और रोज़े भी रखना है तो रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने रोज़े का भी कार्ड डाली थी, आगे पीछे भी रख सकते हैं, जो नियत है आप कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको तकलीफ़ दे है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, समझदार हो, समझदारी को इशारा काफ़ी है। अगर आपने नियत किए है रोज़े का तो आप आगे पीछे भी रोज़े रख सकते हो, तो इसका ख्याल रखना। और शब मिराज को भी अगर आपको रखना है तो रख सकते, शब बारात को भी एक या दो रोज़े रखने हैं तो रख सकते। तो आगे वीडियो ऐसी अच्छी अच्छी डालती रहूँगी। बहुत दुआएं करना ज़रूरी नहीं, आप खाए कुंडे की नियास तो ही दुआ मांगे, आप ऐसे वीडियो में भी देख के दुआएं मांग सकते हैं। आपकी दुआएं जब पूरी हुए तो दुआ भी ऐसी कीजिए कि कोई आपको कुंडे की नियास में बुलाए तो वहाँ आपकी दुआएं पूरी होगी, तो ज़रूर आपकी दुआएं भी पूरी होगी। क्योंकि पैगंबरों का यही है कि हमारे सर पे उनका साया है, और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में उनका हर चीज़ में हम है, हमारे लिए वो है। तो ऐसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहेंगी अच्छी अच्छी, और ऐसी फातिहा अपने घरों में देते रहिए। एक तो पहली बात, आपके घरों में ऐसी फातिहा होती रहेगी तो आपके घर में मेहमान आते रहेंगे, पैगंबर भी आते रहेंगे, वली भी आते रहेंगे, और खुदा का साया हमेशा आपके सरों पे रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और अच्छी अच्छी वीडियो मेरी देखते रहना। और देखिए, जो लोगों को पता है किस तरीके से दुआ करके खाते, माशाल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, आगे की ज़िंदगी में अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे जो आपने गुनाह किए हैं, और नियाज ज़रूर खाइए, और अपने लिए जो भी चाहिए वो दुआएं ज़रूर दस्तरखान पे बैठ के मांगे, आपकी सारी दुआएं कबूल होती है माशाल्लाह से। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालते रहूँगी। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताना, कुंडे के नियाज की मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, लॉन्ग वीडियो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।